मुरैना में 8 साल का मासूम अपने 2 साल के भाई की लाश गोद में लेकर बैठा रहा। सफेद कपड़े से ढकी लाश पर मक्खियां टूट रही हैं, तो वहीं बड़ा भाई मक्खियां उड़ाता फिर मदद की उम्मीद से इधर उधर नजरें दौड़ाता। यह सब 1.5 घंटे तक चलता रहा। उसका दिल छोटे भाई की मौत से उभरा नहीं था। यह मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस मंजर के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। बच्चे का पिता अपने बच्चे की मिट्टी को गांव ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए इधर उधर भटकता रहा। पैसे उसे खाली हाथ था तो सिस्टम ने भी अपने हाथ खींच लिए। उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिली। काफ़ी देर बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने शव और उसके भाई को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गई। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व अम्बाहा के बरफड़ा निवासी पूजा राम जावट के बेटे राजा की तबीयत खराब हो गई थी। उसने राजा को अम्बाहा के सरकारी अस्पताल में दिखाया। हालत ज़्यादा खराब होने के चलते डॉक्टरों ने बच्चे को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। तो वही पूजा राम अपने 8 साल के बेटे गुलशन के साथ राजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। अम्बाहा से लेकर आई एम्बुलेंस तत्काल लौट गई। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि राजा को एनीमिया और पेट में पानी भरने की समस्या थी। आपको बता दें कि बेटे राजा की लाश घर ले जाने के लिए पूजा राम को एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस के लिए उसे 1,500 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन इतने रुपए उसके पास नहीं थे। तो पूजा राम ने प्राइवेट और सरकारी एम्बुलेंस से मदद मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। तो वहीं पूजा राम अपने बेटे की लाश अपने बड़े बेटे की गोद में लेटा कर एम्बुलेंस तलाशने चला गया। तो वहीं गुलशन के लिए यह सब कुछ समझना बहुत मुश्किल था। वह नेहरू पार्क के सामने सड़क किनारे नाले के पास बैठा रहा। पूजा राम अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से सब को गांव ले जाने के लिए वाहन की बात कही तो उसे यह कहकर मना कर दिया गया कि शव ले जाने के लिए अस्पताल में कोई वाहन नहीं है, बाहर से भाड़े की गाड़ी लेकर आओ। तो वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली के आईटी योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने गुलशन की गोद से राजा का शव उठाया और दोनों को जिला अस्पताल ले गए। वहां गुलशन का पिता पूजा राम भी आ गया। उसके बाद एम्बुलेंस से शव को बरफाड़ा भिजवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।